ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2020 को लेकर पटेल मैदान में विभिन्न खेलकूद गतिविधियां आयोजित की गई। इस मौके पर मार्शल आर्ट के 165 बच्चों ने मार्शल आर्ट की कलाओं का प्रदर्शन किया। इनमें 12 बच्चे ब्लैक बेल्ट तथा 3 बच्चे थर्ड आर्म ब्लैक बेल्ट प्राप्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2020 को लेकर पटेल मैदान में विभिन्न खेलकूद गतिविधियां आयोजित की गई। इस मौके पर मार्शल आर्ट के 165 बच्चों ने मार्शल आर्ट की कलाओं को प्रदर्शित किया। इनमें 12 बच्चे ब्लैक बेल्ट तथा 3 बच्चे थर्ड आर्म ब्लैक बेल्ट प्राप्त हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांडा ने कहा कि मार्शल आर्ट का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। कबड्डी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में RCC पड्डल स्पोर्ट्स क्लब बड़ीहाल, कोटली पलोटा, HRTC मंडी, ITI राजकीय महाविद्यालय मंडी, शिरदा स्पोर्ट्स अकेडमी, तूफान क्लब पंडो, जबकि महिला वर्ग में शिरदा स्पोर्ट्स अकेडमी स्पोर्ट्स क्लब पंडो सहित 11 टीमें भाग ले रही हैं। कबड्डी प्रतियोगिता में कोटली और RCC पड्डल के बीच हुए मुकाबले में RCC पड्डल की टीम विजय रही। SDM सदर निवेदिता नेगी ने मेले में चल रही विभिन्न गतिविधियों में सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने झूला संचालकों को निर्देश दिए कि झूले के आसपास लोगों की सुरक्षा बारे कोई कोताही न बरती जाए।